गिरिडीह में फिट मूवमेंट ऑफ इंडिया कार्यक्रम के तहत रविवार को साइक्लोथॉन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, महिला संस्था प्रेरणा शाखा और नवजीवन नर्सिंग होम की ओर से अहले सुबह शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों के साथ किरण पब्लिक स्कूल और कार्मेल स्कूल के छात्रों की टोली भी शामिल हुई। शहर के मोदी धर्मशाला से निकली साइकिल रैली में रोटरी कपल ऑफ गिरिडीह क्लब के सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, तरणजीत सिंह सलूजा, हरिंद्र सिंह सलूजा, प्रेरणा की रिया शर्मा, रोटरी क्लब के राजेश जालान, नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक उज्ज्वल सिद्धार्थ सिन्हा समेत छात्रों के अभिभावक भी शामिल हुए। स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नारे के साथ निकली फिट मूवमेंट ऑफ इंडिया साइक्लोथॉन साइकिल रैली को जिला समाज कल्याण अधिकारी अलका हेम्ब्रम और प्रेरणा की कविता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तीनों स्कूल के छात्रों ने पूरे जोश के साथ अहले सुबह साइकिल रैली निकालकर लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से जागरूक होने की अपील की। तो लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए हर रोज सुबह साइकिल चलाने और वक्त वक्त पर रक्तदान करने की भी अपील की। मोदी धर्मशाला से निकलकर साइकिल रैली शहर के कई हिस्सों से गुजरते हुए वापस मोदी धर्मशाला पहुंचकर समाप्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ऑल इंडिया मारवाड़ी शाखा, प्रेरणा शाखा गिरिडीह ब्रांच और रोटरी कपल गिरिडीह और नवजीवन नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वावधान में हम लोगों ने एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है, जिसमें कि हेल्थ अवेयरनेस और रोड सेफ्टी और ब्लड डोनेशन के ऊपर हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। इसी के तहत आज हम लोग 500 बच्चे करीब 4 स्कूलों से आए हैं, पब्लिक स्कूल, सलूजा इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे स्कूलों से बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए रहने में। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।